वैसे तो शाओमी के काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, और अभी शाओमी इतने सारे फ़ोन लॉन्च कर चुके हैं कि कौन सा फ़ोन ले कंफ्यूज हो चुके हैं अंडर 10,000 रुपीज़। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला टॉप परफॉर्मिंग शाओमी के फ़ोन्स अंडर 10,000 रुपीज़, जिसमें आपको अच्छा गेमिंग, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा बैटरी मिलेगा। तो वो कौन सा फ़ोन है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो हेलो एवरीवन, मैं नाम आशुद गोपाल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फ़ोन के नाम से। तो ये फ़ोन का नाम है रेडमी नोट 8। ये एक्चुअली दो फ़ोन लॉन्च हुआ है, पहला रेडमी नोट 8 और नोट 8 प्रो। नोट 8 प्रो का प्राइस 18,000 रुपीज़ है टॉप वेरिएंट का, और जो रेडमी नोट 8 है वो 10,000 रुपीज़ से ही स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन के लुक वाइज से। तो सबसे पहले इसके अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो ये वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है कुछ इस तरीके से, और जैसे ही आप नीचे जाएंगे काफ़ी हद तक ये बेजल लेस फ़ोन है, और नीचे में आपको एक रेडमी का फंड मिलेगा जो कि प्रॉपर रेडमी लिखा हुआ है। और अगर मैं बैक की बात करूँ तो ये बैक से काफ़ी प्रीमियम लगता है, ऐसा लगता है ये फ़ोन की 20-30,000 रुपीज़ का है। बैक में आपको 4 कैमरा मिलेगा विथ LED फ्लैश, और जो ग्रेडियंट कलर है इस फ़ोन को और प्रीमियम बना रहा है। ओके, तो ओवरऑल इसके लुक की बात आ गई तो ये लुक में बिल्कुल प्रीमियम लगता है फ़ोन। अब बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की। 6.3 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, और इस फ़ोन के डिस्प्ले को काफ़ी अच्छा रेटिंग मिला है एक्सपर्ट की तरफ से। यानी इसका डिस्प्ले अच्छा है, क्रिस्प क्लियर आपको देखने को मिलेगा, चाहे मूवीज देखो, गेम खेलो, कुछ भी करो। अब गेम खेलने की बात आई है तो अब इसके थोड़े हम परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। 2 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलेगा आपको इस फोन में, और स्नैपड्रैगन 665 के साथ आता है ये फोन। 4 GB RAM और 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा आपको इस फोन में, और जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं 512 GB तक थ्रू मेमोरी कार्ड आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं इसके बैक में लगे 4 कैमरा की। तो 48+8+2+2 MP का कैमरा है विथ LED फ्लैश, और इसके कैमरे में सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, ब्यूटी हो, पैनोरेमा, जितने भी फीचर है सारे मिलेंगे। स्लो मोशन भी मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है। और फ्रंट कैमरा की बात करें यानी सेल्फी की बात करें तो 13 MP का कैमरा मिल रहा है, और लेकिन जो फ्रंट कैमरा के मामले में शाओमी उतना कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा इसको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी इस प्राइस के हिसाब से फ्रंट कैमरा भी ठीक है, डिसेंट सा है। ओके, अब बात करते हैं इस फ़ोन के बैटरी की। तो 4000 mAh का बैटरी मिलेगा फास्ट चार्जिंग के साथ। फास्ट चार्जिंग में आपको एक्चुअली में फास्ट होगा क्योंकि ये टाइप सी पोर्ट के साथ आता है, ओवरऑल बोला जाए तो जो चार्जिंग स्पीड है वो फास्ट ही रहेगा इस फ़ोन में। 4000 mAh बैटरी, टाइप सी पोर्ट और फास्ट चार्जिंग। ओके, सो ये था सिंपल खत्म। अब बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में। तो इस फ़ोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा, जो कि जितने भी रेडमी नोट 7 प्रो थे उससे ज़्यादा, क्योंकि उसमें 3+ मिलता था और इसमें सीधा आपको 5 मिल रहा है, यानी प्रोटेक्शन और भी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आपको फिर भी टेम्पर्ड ग्लास लगाना है क्योंकि गोरिल्ला ग्लास का कोई भरोसा नहीं रहता, क्या पता कुछ ऐसे जगह से पटका कि पूरा क्रैक हो जाए, इसलिए टेम्पर्ड ग्लास फिर भी लगा लीजिएगा। क्या पता ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि क्या है, इसमें आपको कहीं भी इसकी इमेजेस में आपको बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर है ऐसा नहीं बताया गया, का देखने से ऐसा ही लगेगा कंज्यूमर को कि इसमें फ्रंट में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़े इसके बारे में डीप में पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर बैक में मिल रहा है, लेकिन कोई भी इमेज में डिस्प्ले नहीं किया गया है कि इसमें बैक में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है। तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, इसमें आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो बैक में ही मिल रहा है, आपको इसे बैक से ही सेटअप करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये था इस फ़ोन को लेके, और गेमिंग में भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, एकदम हाई में तो नहीं लेकिन 10,000 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर आपको और भी कुछ डाउट है इस फ़ोन को लेके तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आशुद गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।